क्या हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस NFT कलेक्शन की जिसका नाम है वाइब हेड्स। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मुझे कि बहुत क्यों एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगता है और इनका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इनका प्लान क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हम लोग ने NFTs कलेक्शन अभी तक देखे हैं, ओके, ओपन सी पे मोस्टली, अगर आप इनके आर्ट्स देख लो, ओके, और ये आर्ट देख लो, ये आर्ट मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आप इसको देखोगे, अराउंड 5555 ऐसे हेड्स हैं जो ऐसे वाइप कर रहे हैं, ओके, ऐसे वाइप कर रहे हैं, ओके। सो ये पर्सनली मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा एंड आई वुड लव टू हैव वन। लेट्स सी, इनका मिंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मिंट होगा। बाय द वे, मिंट कब होने वाला है? मिंट इनका स्टार्ट होगा, डेट इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो प्री सेल एक्चुअली 11th of November को होगा, ओके। सो इनका एक ट्विटर स्पेस चल रहा था जो मैं इनका सुना, तो 11th of November को प्री सेल होगा। और जिनके लिए ये, उनके लिए सिर्फ जो जो वाइट लिस्ट थे, ओके, तो जिन्होंने वाइट लिस्ट, और वाइट लिस्ट होने के लिए बेसिकली आप ट्विटर पे टैग करो एंड यू नो एंड डिस्कॉर्ड में बहुत एक्टिव रहे, तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे। तो जो भी लोग वाइट लिस्ट हुए वो लोग मेंट कर पाएंगे 11th of November को। बाकी पब्लिक सेल इन्होंने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है। कितने में मिंट होगा? 0.08 इथेरियम में मिंट होगा, और एक वॉलेट से सिर्फ दो से ज़्यादा कोई मिंट नहीं कर सकता। तो ये बेसिक डिटेल्स है ये NFTs की, ओके। नाउ दूसरा चीज़ ये कि ये, मैं जैसे मैंने बताया कि ट्विटर स्पेस का मैम इनका पार्ट था, तो मोस्टली जो इनकी टीम है, ओके, ये मोस्टली नहीं, पूरी टीम एक्चुअली ये इंडियन टीम है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली देख के कि इंडिया से भी जेन्युइन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, NFT प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अभी तक हम लोग ने जो भी NFT के प्रोजेक्ट इंडिया में देखे हैं वो मोस्टली यस सेलिब्रिटीज़ को लेके थे, एंड यू नो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को लेके थे, एंड कुछ यू नो, एक मैंने पिछले कवर किया था जो ट्रैवल के ऊपर था। बट रियली जो कलेक्टिबल्स की बात करती है, मतलब 10,000 कलेक्शन, 5,000 कलेक्शन, ये अभी तक मैंने देखा नहीं था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बॉस इंडिया से एक प्रोजेक्ट NFT कलेक्शन लॉन्च हो रहा है, और इनका आर्ट भी बहुत ही कूल लगा। तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली एक्साइटिंग। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कलेक्शन लॉन्च होता है, राइट, मोस्टली आजकल NFT, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट एवरी डे NFT प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, बट मोस्टली ये जो टीम होती है अनोनिमस होती है, उनको आपको नहीं पता कि फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, ये लोग क्या करने वाले हैं, राइट। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बारे में लगी कि यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं ये अनोनिमस नहीं है, तो आप इनको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो भी इनके फाउंडर्स हैं, जो भी इनके को टीम है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके बारे में। दूसरा चीज़, ये लोग जो काम कर रहे हैं NFT प्रोजेक्ट पे, ये लोग मोर देन 5 months ये लोग काम कर रहे हैं। वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट 5 months बैक विद द एम ऑफ क्रिएटिंग समथिंग द NFT कम्युनिटी हैज़ नेवर सीन बिफोर। यू नो, ऐसा नहीं कि एक महीने में ये लोग आए और लॉन्च कर दिया, तो ये लोग 5 महीने से काम कर रहे हैं। सो लेट्स से अप्रैल मई, यू नो, सीजन NFT का सीजन चल रहा है, मतलब पहले तो और भी मिंट हो रहा था, तो बट इनका एक्चुअली प्लान लॉन्ग टर्म है, और इन्होंने काफ़ी वेट किया है, 5 महीने से काम कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्ड में, एंड नाउ ये लोग मिंट की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये पूरा इनका लॉन्ग टर्म प्लान है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो सबसे पहली बात, इनका रोड मैप एक बार चेक करते हैं। तो रोड मैप इन्होंने क्या बोला है कि बॉस इंस्टॉलिंग द, पहले तो लॉन्च होगा, ओके, लॉन्च होने के बाद कुछ कम्युनिटी एयर ड्रॉप्स करेंगे, तो जो भी होल्डर्स हैं उनको ये लोग एक, आई थिंक विल बी रिसीविंग अ स्पेशल वाइब हेड्स, ओके। सो स्पेशल वाइब हेड्स रिसीव होगा जिन्होंने ऑलरेडी मिंट किया, जिन्होंने। सो यूजुअली जो कलेक्शंस होते हैं मोस्टली 10,000 होते हैं, बट यहाँ पे 5,000 ही हैं। आर्टिस्ट कोलाबरेशन टू सेलेब क्रिएट रिलेशनशिप इन द NFT कम्युनिटी, वी विल बी कोलाबरेटिंग विद सम ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना आर्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया, दैट्स इट, ये लोग दूसरे आर्ट से भी ये लोग पार्टनर करेंगे, कोलाबरेट करेंगे, और उनकी भी NFTs शायद जो कलेक्टर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ट्विटर कवर्स बनाएंगे, बाद में इन्होंने बोला कि ऑगमेंटेड रियलिटी ऑन इंस्टाग्राम, AR फिल्टर्स फॉर इंस्टाग्राम ये लोग लॉन्च करेंगे, बाद में वाइब हिट्स ऑफिशियल म्यूजिक वीडियोस आएगा इनके रोड मैप में, बाद में मर्चेंडाइज कलेक्शन ये लोग लॉन्च करेंगे। तो ये काफ़ी इनका रोड मैप काफ़ी इन्होंने क्लियर है इनका। इन्होंने बताया कि बेनिफिट्स ऑफ द बीइंग अ होल्डर, द मोस्ट लिट लुकिंग PFP एंड मेंबरशिप टू अ हाई वाइब कम्युनिटी। डेफिनेटली आई थिंक दिस इज द मोस्ट लिट लुकिंग PFP, मैं तो अग्री करूँगा। इनका जो कलेक्शन है, इनका जो PFP है, बहुत ही कूल है, बहुत ही कूल है पर्सनली। एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज़ योर वाइब हेड्स फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज़, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द एयर ड्रॉप्स, मर्चेंडाइज एंड मिंट पास टू ऑल फ्यूचर कलेक्शन। तो जितने भी कलेक्शन, ऑफकोर्स यस, जैसे मैं बता रहा था कि जितने भी लोग फ्यूचर कलेक्शन लॉन्च करेंगे आपके पास
मिंट पास मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक एनएफटी है, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू आर डिस्कॉर्ड वेयर वी विल बी क्रिएटिंग डेडिकेटिंग चैनल्स, राइट। सो बेसिकली इनका मेटावर्स का भी प्लान है कि ये एनएफटीज़ कैसे इनको मेटावर्स में भी इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा चीज़, अगर आप ट्रेड्स की बात करोगे तो ये मतलब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 5,555 बेस्ट कॉम्बिनेशन हैं। तो इसमें किस टाइप के कॉम्बिनेशन देखोगे आप, जेंडर देखोगे, मेल्स फीमेल्स, हेयर स्टाइल, 110 प्लस डिफरेंट हेयर स्टाइल्स हैं, क्लोथ्स, फेस एक्सेसरीज है, बाद में हेड एक्सेसरीज है, नेक एक्सेसरीज है, पियर्सिंग है, आईज है, राइट। सो ये सब डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इन्होंने सिर्फ 5,555 कलेक्शन ही इन्होंने बताया है। तो इस तरह से आप चेक कर पाओगे कैसे एक दूसरे से अलग है। सो फॉर एग्जांपल हाउ, कैसे ये एनएफटी इस एनएफटी से डिफरेंट है, कैसे ये एनएफटी इस एनएफटी से डिफरेंट है, राइट। दे आर ऑल वाइबिंग बट दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बहुत यूनिक है सारे। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड दूसरा चीज़, पार्टनर्स, लुक एट दिस, बायकॉनमी। बायकॉनमी, यू नो, इन्होंने आई थिंक रिसेंटली इन्होंने फंड रेज किया है, दे आर नेक्स्ट जेन मल्टी चेन लेयर प्रोटोकॉल। सो बायकॉनमी का इनको सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट होना। कम्युनिटी देखोगे तो अराउंड 18,000 लोग हैं कम्युनिटी में, डिस्कॉर्ड में, राइट। 18,920 मेंबर्स हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड यू नो कैसे परफॉर्मेंस होगा, कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगी, कौन सी चीज़ रिस्क हो सकता है, तो सबसे पहली बात, इनके पास बेनिफिट्स जो प्रो हैं, यूनिक, बहुत ही इनका कूल आर्ट है, ओके, डेफिनेटली किसी को भी पसंद आएगा फर्स्ट नज़र में ही। दूसरा चीज़, टीम अनोनिमस नहीं है जैसे मैंने बताया। तीसरा, इन हाउस एंड यंग टीम है। तो इनका जो इन्होंने ट्विटर स्पेस में रिवील किया कि इनकी जो भी जितना भी इनका वेबसाइट बिल्ड हुआ है, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट, दिस इज़ ऑल डन बाय द इन हाउस टीम। तो इन्होंने कुछ आउटसोर्स नहीं किया, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट होता है कि बॉस सब यू नो इन हाउस ही हो रहा है। दूसरा, ओनली 5,555 ड्रॉप्स, मतलब 10,000 नहीं है, सिर्फ हाफ है, 5,555। सो ये इसका असर डेफिनेटली प्राइस पे पड़ेगा। सपोर्टेड बाय क्रिप्टो ब्रांड्स, डेफिनेटली। रिस्क क्या है, तो लेट से आपने बाय किया, तो अलॉट डिपेंड्स ऑन द टीम, कि टीम कैसे डिलीवर कर पाती है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, राइट। एंड अलॉट डिपेंड्स ऑन द डिलीवरेबल्स, जो इनका रोड मैप है, ये लोग रोड मैप कैसे फॉलो करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है। बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छा करेगा। एंड एनी वे मुझे लगता है इनका इनका जो कलेक्शन, इनका जो आर्ट है, ये अपने आप में बहुत कूल है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। ये सारे मैं लिंक डाल दूंगा, इनका डिस्कॉर्ड लिंक डाल दूंगा, ट्विटर लिंक डाल दूंगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कलेक्शन। एंड पर्सनली आई फाउंड दिस वेरी एक्साइटिंग, दैट्स व्हाई आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू। एंड या, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।